नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मजे में होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एल नाम वाले जातक एवं ई नाम वाले जातक यदि शादी करते हैं तो इनको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको सुनना चाहिए, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो लाइक कर देना है, साथ में एस्ट्रो मंदिर को आपको सब्सक्राइब कर देना है एवं वीडियो के नीचे में अपना नाम कमेंट कर देना है। उसके बाद वीडियो को ध्यान से सुनना है। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, एल नाम वाले जातक एवं ई नाम वाले जातक यदि किसी भी प्रकार के संबंध में आते हैं तो आप दोनों के बीच में एक समानता ज्यादा नहीं होती है। इस नाम के जो दोनों जातक होते हैं तो इन दोनों की अपने अपने जीवन में जो भी जरूरतें होती है, जो भी आवश्यकताएं होती है, वो एक दूसरे से अलग होती है, एक दूसरे से भिन्न होती है। लेकिन इसके अलावा यदि एल नाम वालों की बात करें तो एल नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो हमेशा अपने जीवन में जोखिम उठाना, रिस्क उठाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इस नाम के जो जातक होते हैं वो कभी भी अपने जीवन में कोई भी जोखिम उठाने से, कोई भी रिस्क उठाने से डरते नहीं है, घबराते नहीं है। इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है। लेकिन इसके अलावा यदि ई नाम वालों की बात करें तो ई नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो बेहद शांत होते हैं, बेहद गंभीर होते हैं एवं हमेशा अपने जीवन में अपने आने वाले समय के प्रति बेहद आशावादी होते हैं, अपने आने वाले समय से बहुत ज्यादा उम्मीद, बहुत ज्यादा आशा करते हैं। मित्रों, एल नाम वाले जातक एवं ई नाम वाले जातक इन दोनों के बारे में इतनी बातें जानने के बाद यदि हम ये जानना चाहें कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, दोस्तों आप दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा वो सामान्य रहेगा, न ज्यादा मजबूत न ज्यादा खराब। दोस्तों, मुझे उम्मीद है अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, साथ में एस्ट्रो मंदिर को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा एवं वीडियो के नीचे में जय बाबा भैरव आप कमेंट अवश्य कर दे एवं वीडियो हर जगह शेयर कर दे, ताकि आपके संपर्क में जो भी लोग हो सभी लोग वीडियो देखें एवं अपने आपसी जीवन के बारे में सारी बातें पता कर सकें। धन्यवाद।